हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रेडिफाइन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B विथ राइड मोड्स स्पेशल एडिशन। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इसकी एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी फेस्टिव सीजन चल रही है तो क्या आप लोगों को यहाँ पर ऑफर्स और डिस्काउंट देखने को मिलेगी वो भी आप लोगों को बताऊंगा, प्राइस कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज सबके बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो के अंत तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि 2023 में 160cc सेगमेंट में ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी टीवीएस की प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं, डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप देख लीजिए लोगो और ब्रांडिंग के साथ टीवीएस की ये जो प्रीमियम सी वेव की है वो आप लोगों को यहां पर देखने में मिलता है। इसको दोस्तों हम लोग यहां पर इंसर्ट कर देते हैं, देन हम लोग आगे इसकी जो ऑफर्स वगैरह उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता दूं जो कि आप कह सकते हैं महीने भर पहले थोड़ी सी यहां पर इंक्रीज हुई है। अभी फिलहाल अगर आप इसकी ऑनरोड प्राइस देख रहे हैं तो 1,59,705 रुपीज में आप लोगों को ये देखने मिल जाएगी। आप अप्रॉक्सिमेटली कह सकते हैं कि 1,60,000 तक में ये बाइक आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग ऑफर्स या डिस्काउंट देखते हैं तो यहां पर आप लोगों को ये 1,500 रुपए तक की जो मतलब डिस्काउंट है ऑन दिस ऑनरोड प्राइस वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग ऑफर्स वगैरह और भी यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो स्क्रैच कार्ड वगैरह आपको देखने में मिलेगी, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो एश्योर्ड गिफ्ट है वो आप लोगों को 5 लीटर्स तक की यहाँ पर जो पेट्रोल है वो देखने को मिलेगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर आप नई बाइक डिलीवरी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इसी शोरूम के लिए लिमिटेड है, ठीक है। देन आप लोगों को एक ISI हेलमेट जो है वो तो देखने में मिलेगा और एक बाइक की जो कवर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो दोस्तों प्राइस और यहाँ पर पूजा फेस्टिवल की वजह से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें ऑफर्स और डिस्काउंट्स में क्या क्या देखने को मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवरऑल आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिल क्या कह रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी जो की है उसको यहाँ पर ऑन करना चाहूंगा, देन मैं आप लोगों को ले चलता हूं इसके फ्रंट व्यू में जहां पर बहुत ज्यादा कोई चेंज आपको समझ में नहीं आने वाली है। एक बार मैं आप लोगों को यह बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ट्राइकलर का जो टच है वो देखने में मिलेगा और स्मार्ट कनेक्ट की जो ऐप है उसकी जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पर आपको मिल रही है, जिसको मैं आगे आप लोगों को कंसोल के टाइम एक्सप्लेन बिल्कुल करने वाला हूँ। सामने में अगर आप देख रहे हैं ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है, LED DRL आप लोगों को दिख रही है, जिसको अगर आप चाहें तो यहां से अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए ऑफ है, जो ये मतलब हेडलैम्प है वो अभी ऑन है। देन अगर मैं इसकी इग्निशन को ऑन करता हूँ, एक बार इग्निशन को ऑन कर दें तो यहीं से आप लोग हाई बीम लो बीम जो है वो भी आप ऑपरेट कर पाएंगे। देन पास लैंप का जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहीं से मतलब ऑपरेट करते हुए आपको देखने में मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इसको बंद कर देते हैं। देन यहाँ पर सामने में आप लोगों को यहाँ पर जो नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स बल्ब की देखने में मिल रही है, और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो तगड़ी सी फाइबर की मडगार्ड TVS रेसिंग की ब्रांडिंग के साथ आपको मिल रही है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं 90x90 सेक्शन की टायर है। अब बता दूँ 17 इंचेस की ये जो अलॉय व्हील है उसके साथ आपको देखने में मिल रही है। बाकी डिज़ाइन वगैरह कैसी है वो आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। देन दोस्तों अगर सेफ्टी के बारे में बताया जाए तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर मोटो ABS लिखी है, मतलब सिर्फ फ्रंट में आपको ABS मिल रहा है, रियर में ABS नहीं है। लेकिन एक उड़ती हुई खबर है ऐसी कि बहुत जल्द शायद आप लोग यहाँ पर डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जैसे ही वो लॉन्च होती है या शोरूम पर आती है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये उड़ती हुई खबर है, इसमें कोई श्योरिटी अभी नहीं है, मुझे पता चले इससे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोग इसके लिए वेट बिल्कुल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ये 270mm की जो पेट्रोल डिस्क है वो देखने में मिल रही है, जो ब्रेकिंग के टाइम पर हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि ब्रेकिंग को और अच्छी तरीके से की जा सके। देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो ABS की रिंग है वो भी देखने में मिल रही है, और यहाँ पर आप लोग ये फोक प्रोटेक्टर के साथ ही जो टेलीस्कोपिक फोक है वो भी सामने में अभी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी मतलब हार्ड ऑफ द बाइक इंजन पर आते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो इंजन काउल आप देख रहे हैं भले ही आपको थोड़ी सी हेल्थी भी दिख रही है लेकिन फाइबर की है, क्वालिटी इसकी आपको काफी तगड़ी देखने में मिलेगी। और देखिए पूरा जो इंजन है वो यहाँ पर गार्ड की है। देन मैं बता दूँ 159.7cc SOSC 4-valve ऑयल कूल फिलिंग इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको देखने में मिलेगा, और अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क हल्का सा घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर माइलेज को इंक्रीज किया जा सके। अब बता दूँ मैक्सिमम जो पावर आप लोगों को मिलेगा वो है 17.55 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है 14.73 न्यूटन मीटर तक की। अब दोस्तों काफ़ी प्रीमियम बाइक है तो कंपनी ने आप देख सकते हैं किकस्टार्ट का ऑप्शन नहीं रखा है। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी रियर सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले ये जो वुलपैप एग्जॉस्ट है जिसको कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने इसकी जो अपडेट थी वो कंपनी ने दी, इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो
दोस्तों आवाज आप लोगों ने इसकी सुन ली है, बाकी आप लोगों को कितना ज्यादा बेसियर लगती है, पहले वाला सही था या अभी आपको ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। देन इसकी जो की है दोस्तों, इसको एक बार दोबारा मैं यहाँ पर ऑन करना चाहूंगा ताकि रियर सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो LED टेल लैंप है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स बल्ब यहाँ पर भी आपको देखने में मिलती है। देन ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर आपको मिल रहा है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर आप लोग को एक बल्ब भी यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। टायर अगर जो है आपको काफी तगड़ी क्वालिटी की मिलती है जहाँ पर RTR की ब्रांडिंग है। नीचे अगर आप लोग देखते हैं 130/70 सेक्शन की आप लोगों को ये चौड़ी सी टायर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अब दोस्तों खास बात यह है कि रेडियल टायर है तो आप लोगों की जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि रेडियल टायर की जो ग्रिप होती है विद द रोड वो अच्छी मानी जाती है, ठीक है। देन अगर आप लोग रियर सेक्शन में देखते हैं दोस्तों तो 200 mm की जो पेटल डिस्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो शोवा के मोनोसा सस्पेंशन है वो भी देखने में मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस दोस्तों मतलब क्या ही कहा जाए, बहुत बेहतरीन आपको मिलती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इसकी लेफ्ट पोर्शन पे तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड है वो देखने को मिल रहा है, लेडीज फुट रेस्ट आपको मिल रहा है। अगर आप लोग 200 में जाते हैं दोस्तों तो ये जो लेडीज फुट रेस्ट है वो देखने में नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपको 160cc तक ही यहाँ पर ये जो लेडीज फुट रेस्ट है वो देखने में मिल जाती है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन इंजन सिस्टम है और बॉक्सेस का स्विंग आर्म आ रही है, तो ओपन इंजन सिस्टम में थोड़ा सा मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही आप लोग को इसकी सही मिल सके। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये जो मेन स्टैंड है वो तो मिल रहा है, साइड स्टैंड भी आप लोगों को मिलता है और साइड स्टैंड इन कटआउट सेंसर भी आप लोगों को मिलता है, तो आप कह सकते हैं ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है बिकॉज ऑफ दिस साइज चेंजिंग कटआउट सेंसर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनहांस बिल्कुल हो जाती है। और अभी भी दोस्तों आप लोगों को 5-speed गियर बॉक्स ही मिल रही है, 1 down and 4 up। साथ ही दोस्तों यहां पर इंजन में आप लोगों को एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा खास है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, माइलेज को एनहांस करने की टेक्नोलॉजी कंपनी जो यूज़ करती है वो है GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। जब भी आप ट्रैफिक पर होते हैं क्लच थ्रॉटल गियर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर माइलेज घटती है, तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए और इंजन स्टॉलिंग को भी कम करने के लिए कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। जिस भी गियर पर आप होते हैं हल्का सा थ्रॉटल और क्लच जैसे आप रिलीज कर देते हैं उस गियर के हिसाब से बाइक हल्की हल्की थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि इंजन स्टॉलिंग और माइलेज की प्रॉब्लम दोनों को ही यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। बाकी टेक्नोलॉजी कैसी है, आप लोगों को कैसी लगती है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्टडी से यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है वो भी आप लोगों को देखने में बिल्कुल मिल जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों अगर आप लोग सीट हाइट देखते हैं तो 800 mm तक की यहाँ पर आपको देखने में मिलती है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" या 5'4" तक की है इस हाइट को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन अगर आप लोग सीट देखते हैं तो नॉर्मल सी सीट है, आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट वगैरह नहीं है, काफ़ी स्पेसियस है और ये मतलब काफ़ी मतलब आप कंफर्टेबल भी कह सकते हैं, तो लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है। देन अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो बैटमैन टाइप की जो ग्रैब हैंडल है वो भी दी गई है, तो अगर आप एज प्लेन पीछे बैठ रहे हैं तो पकड़ के बैठने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग के 12 लीटर की टैंक भी मिल रही है। अब माइलेज की जहाँ तक बात है, आप करीबन अगर इसको अर्बन या स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो 45 किलोमीटर तक की भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये फाइबर की देखने में मिल रही है, लेकिन अंदर एक्चुअल जो टैंक है वो आप लोग को मेटल की ही देखने में मिलती है। और TVS की जो ये जो 3D लोगो है वो आप लोग देख पा रहे हैं, यानी स्टिकरिंग वगैरह ये भी आपको दिख जाएगी, और अपाचे की यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है वो भी आप देख पा रहे हैं। देन एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको ये जो E20 की स्टिकरिंग है वो भी मिल रही है, तो OBD2 का जो अपडेट है वो भी को मिला हुआ है, मतलब BS650 की जो एमिशन नॉर्म है उसको बिल्कुल मानकर चलती है। और क्योंकि यहाँ पर E20 आप लोगों ने अभी देखा है तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल कभी अगर इंडियन मार्केट में आती है तो उसके साथ भी ये जो इंजन है आराम से रन करेगी, बाकी अभी जो नॉर्मल पेट्रोल आपको मार्केट में मिलती है उसके साथ भी ये आराम से वैसे भी रन करने ही वाली है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो क्लास रीडिंग 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देखते हैं तो 146 किलोग्राम की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और अब अगर मैं आप लोगों को हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो नॉर्मल सी हैंडल बार है, क्लिप ऑन वगैरह नहीं है, की को ऑन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लच देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं तो ये दोनों आप लोग को एडजस्टेबल देखने में मिलेगी, पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है तो उसको टॉगल करने के लिए आई का बटन, देन ये टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। राइट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इंजन की स्विच मिल रहा है, मोड का बटन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो स्पोर्ट अर्बन और रेन मोड ये भी आप चेंज कर सकते हैं। देन ये LED ऑन ऑफ करने के लिए है, DRL, एंड देन नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने ऑलरेडी आप लोग को सुनाया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर RTR 160 की जो ये बैजिंग है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और अगर मैं आप लोग को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं ऑन करते से पूरा एक बार स्वाइप लेती है, 3, 2, 1, go, गियर अप, चिकट प्लग, देन हाई अपैचिंग यहाँ पर लिख के आएगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, देन आप लोग को फ्यूल गियर सेंसर, टाइम, गियर पोजिशन सेंसर, देन क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप
इसके साथ आएगी, ठीक है, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप लोग उस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यही नहीं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। देन अगर आप लोग मोड का बटन यहाँ पर और इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप एफ, लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड मोड, देन आप लोगों को यहाँ पर 0-60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो भी दिख जाएगी। देन ओडोमीटर तो यहाँ पर दिख रही है, ट्रिप ए ट्रिप भी जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये मिरर देखते हैं तो काफ़ी बड़ी और रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों है सत्य वचन की घड़ी कि इस बाइक को खरीदना 2023 में कितना सही होगा। बाकी अगर आप लोग सेगमेंट में देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को NS 160, N 160, देन Extreme 160 या 4V भी देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं कहूँगा अगर आप लोगों को डुअल चैनल ABS की चाहत है तो NS 160 या N 160 आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, जो कि पल्सर की सीरीज में आती है, काफ़ी बढ़िया बाइक है। आप लोगों को वहाँ पर 1,60,000 से 65,000 तक में वो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग दोस्तों क्योंकि हीरो क्लेम करती है 0-60 सबसे कम सेकेंड्स में वो अचीव करती है, मतलब अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब फास्टेस्ट अगर आप लोगों को 160cc बाइक चाहिए क्योंकि हीरो क्लेम करती है तो वो भी आप एक्सट्रीम 160 या 4V में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को अपाची के ये लुक पसंद है, आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन या फिर कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह ये सब सारी चीज़ें आपको चाहिए, GTT टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, मतलब 40-45 किलोमीटर तक की माइलेज आपको, ये जो मोड्स वगैरह ये भी चाहिए, क्लास में आप लोगों को सेगमेंट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब पावर और टॉर्क वाली बाइक चाहिए, कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए, और ओवरऑल अगर आपको लुक इसकी पसंद है और अगर आप लोगों की बजट 1,60,000 तक में है तो दोस्तों अभी भी आप लोगों के लिए ये जो बाइक है एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। बस एक ही मुझे कमी यहाँ पर जो लगी है वो है डुअल चैनल ABS की, जो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो शायद आप लोगों को बहुत जल्द डुअल चैनल ABS यहाँ पर भी आपको देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 TVS Apache RTR 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन। आप लोगों का क्या कहना है, कितना बेहतरीन बाइक आप लोग इसको समझते हैं और क्या आप कुछ खरीदना पसंद करेंगे या नहीं? अभी ऑफर्स में आ रही है तो क्या आप लोगों के लिए ये खरीदना सही होगा ही? आप लोग क्या समझते हैं बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।